वन साइड होगा, एक साइड से आने के लिए एक साइड से जाने के लिए होने वाला। डबल डेकर लेकर और मेट्रो को लेकर आप लोग देख सकते हैं रोड का साइड कैसे कर दिया गया है। देखिए तो नैरो एकदम हो गया है रोड, अब बाकी साइड आप लोग देख रहे हैं पूरे घर वगैरह सब। तो डबल डेकर जो ब्रिज है गाइस, मतलब बिहार का पहला डबल डेकर ब्रिज होने वाला है। इसके पहले पूरे पटना, पूरे बिहार में कहीं भी आप लोग डबल डेकर ब्रिज नहीं देखे होंगे। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू द व्लॉग। तो गाइस अभी हम लोग एनआईटी के पास है और यहाँ मैं आपको डबल डेकर का बहुत ही जबरदस्त अपडेट देने वाला हूँ। बहुत दिन से कमेंट में आ रहा है कि क्यों नहीं भाई अपडेट दे रहे हो। तो बात है कि मैं अकेले व्लॉग करता हूँ, अकेले व्लॉग ऐसे करने जाता हूँ तो सबको लगता है ऐसे ही आ गया मोबाइल उठा कर बनाने के लिए, तो शूट के लिए अलाव नहीं मिलता है। और जो साथ में रहते हो तो अपना बोल देते हैं न्यूज़ चैनल से, तो चलिए शूट करने मिल जाता है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। इसलिए मैं आज बहुत दिन के बाद मोटो व्लॉग कर रहा हूँ, तो मोटो व्लॉग के जरिए आपको दिखाने वाले हैं, पूरा अपडेट बताएंगे और ड्रोन का शॉट भी आपको दिखाएंगे। तो गाइस अभी आपको डबल डेकर ब्रिज का अपडेट देने वाले हैं। अभी एनआईटी के पास खड़े हैं, यहाँ पर देखिएगा मेट्रो काम चल रहा है, अंडरग्राउंड यहाँ पर होने वाला है मेट्रो का प्रोजेक्ट, ऊपर से नहीं होगा। और डबल डेकर लेकर और मेट्रो को लेकर आप लोग देख सकते हैं रोड का साइड कैसे कर दिया गया है, ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे। जो यहाँ से आते हैं बहुत रुकावट होता है, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, बट जब ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तो आप लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा जाम मिलता है हम लोग को, उस जाम से हम लोग बच पाएंगे। तो अभी आपको आगे चल लेकर इधर आप लोग देखिएगा मेट्रो का काम चल रहा है, इसलिए डबल डेकर का बीच का जो काम है अटका हुआ है। तो जहाँ तक जहाँ से स्टार्टिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ से हम लोग का स्टार्टिंग होने वाला है, और ये रोड का चलने का साइड जो पाथवे था इसको गाड़ी वाला कर दिया गया है, इसको रोड को चौड़ा कम करके आगे आने जाने के लिए रास्ता बना दिया गया है। और साइड से घर अगर आप लोग पूरा देख रहे हैं वहाँ पर था साइड में, सब कुछ तोड़ तार के हटा दिया गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आपको देखिए, देखिए यहाँ से पिलर बनना स्टार्ट हो गया है, स्लोप में है, ऐसे करके ऊपर उठते जाएगा। तो आप लोग आज देख सकते हैं बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर काम हुआ है, मतलब जितना मेट्रो का स्पीड भी नहीं था उतना स्पीड में तो भाई यहाँ पर पिलर बनकर देखिए रेडी भी हो गया है। तो काम के लिए नहीं बोल सकते कि बहुत स्लो काम हो रहा है, देखने से लग रहा है भाई 2 महीने के अंदर ये पूरा कम्प्लीट हो जाएगा, बट 2 महीना कम्प्लीट नहीं होगा, आपको आराम से बताएंगे। और अभी तो फिलहाल आप लोग देखते चलिए, देखिए पिलर कितना बनकर रेडी हो गया है, और कुछ ड्रोन शॉट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम चल रहा है, आगे आपको लेके चलेंगे तब देखिएगा कहाँ तक काम हो गया। ये देखिए क्या क्या बहुत सारा मशीन लगा है, आगे का भाई तो कमाल हो गया, बहुत फास्ट काम हो रहा है, देख लीजिए, ओ माई गॉड, सड़िया पूरा आप लोग दिख रहा होगा। यहाँ तो लग रहा है कि भाई ब्रिज एकदम बंद ही वाला है, बट आपको बता दो भाई बहुत काम बाकी है। ये आप लोग देख लीजिएगा इतना जल्दी यहाँ पर बन गया भाई, अभी डबल डेकर है तो इसके ऊपर भी एक ब्रिज बनने वाला है, ये बनेगा फिर इसके ऊपर भी एक होगा, आगे तक आपको दिखा देते कहाँ तक वैसे कंप्लीट हुआ है। अभी तो रोड एकदम पतला कर दिया गया है डबल डेकर और मेट्रो को लेकर, तो देखिए अभी जाम मिल गया भाई इतना मॉर्निंग में। तो अभी गाइस हम लोग निकल कर आ गए PMCH का गेट के पास, देख सकते हैं ये पहला वाला गेट है, आगे दूसरा गेट है, तो पूरा ये गांधी मैदान तक भी काम जाने वाला है। यहाँ से घुमा लेते हैं, आपको बता दिया गांधी मैदान तक जाएगा, लेकिन गांधी मैदान तक भी हुआ नहीं, अभी तो PMCH का गेट तक हुआ है। देखिए बड़ा बड़ा मशीन भी यहाँ पर आ चुका है गाइस, ये गड्ढा करने के लिए है, इतना बड़ा ड्रिलिंग मशीन। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काम पूरा चल रहा है, तो बहुत जल्दी हो रहा है। देखिए तो नैरो एकदम हो गया है रोड, क्योंकि इधर जो हम लोग देख रहे थे बहुत सारा घर था तोड़ता के हटा दिया गया, ये नहीं आगे हम लोग को दिखने वाला है। बाकी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, मतलब जितना स्पीड से मेट्रो का काम नहीं उतना स्पीड से डबल डेकर बनकर भैया हम लोग को पिलर दिख भी रहा है। मेरे को लगा था एक साल में 1-2-3 पिलर बनेगा, तो पूरे का पूरा पिलर ही खड़ा कर दिए भाई। इधर आप लोग देखिएगा अभी इधर ही पिलर बनना स्टार्ट होगा, अभी रोड को क्लियर किया जा रहा है, सड़िया वगैरह यहाँ पर देखिए रखा हुआ है पिलर बनाने के लिए। तो पहले पिलर कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद ऊपर का फिर बनेगा। तो डबल डेकर है तो ऊपर ये ब्रिज होगा, इसके ऊपर एक और ब्रिज होने वाला है, उसको बोलते हैं डबल डेकर। ये नहीं ये ब्रिज बन गया इसके ऊपर से गाड़ी ले जाएगा, उसके ऊपर भी एक और ब्रिज होगा। ओ माय गॉड क्या बताया भाई, ज़बरदस्त डिज़ाइन तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, बनने के बाद ही होगा। विपुल कुमार जनरल सेक्रेटरी, वाह क्या बात है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है गाइस यहाँ पर देख लीजिए। तो ये मॉर्निंग के टाइम इसलिए आपको वर्कर नहीं दिख रहे होंगे, 10-11 बजे के बाद काम दिखने लगेगा पूरा, मतलब काम इसमें चलते रहता है, 1 मिनट कोई रुकते नहीं है। अब बाकी साइड आप लोग देख रहे हैं पूरा घर वगैरह सब तोड़ करके हटा दिया गया है, पूरा समझिए रोड चौड़ा हो गया है, मंदिर को तो नहीं हटाया जाएगा, मंदिर वहीं के वहीं है। और कब तक ये कम्प्लीट होगा इसको बोला है 2024 तक कम्प्लीट करने का लास्ट डेट दिया गया है, आगे भी शायद बढ़ सकता है क्योंकि थोड़ा मेट्रो काम चल रहा है उसके कारण स्लो हो जाएगा ये काम।
आपको बता दे पूरा ये जो ब्रिज बनने वाला है डबल डेकर जिसको बोला जा रहा है, ये पूरा अशोक पटना के NIT से लेकर गांधीनगर तक जाने वाला है। अभी PMC तक इसका काम चल रहा है और पिलर वगैरह पूरा रेडी हो चुका है, तो कम से कम इसको बोला है 2024 तक पूरा कंप्लीट करने का लास्ट डेट दिया गया है। वैसे बोले डेट आगे भी बढ़ सकता है बारिश हो जाता है कोई रुकावट के कारण, और आगे मेट्रो काम चल रहा है तो उसके कारण PMC तक अभी किया गया नहीं, तो आगे भी इसको किया जाता है कंप्लीट। पहले इधर का आधा हिस्सा कर दिया जाएगा फेज वन, फिर आगे फेज टू के लिए काम चलने वाला है। तो बहुत ही गाइस रश और बहुत ही जाम मिलता हम लोग अशोक राजपथ में, तो डबल डेकर बनने के बाद हम लोग जाम से पूरा मुसीबत से हम लोग निकलने वाले हैं। बहुत ज्यादा यहाँ जाम रहता है, दूसरा की उधर भी हम लोग का जाम रहता है, खेता मार्केट साइड भी। तो ये जब बन जाएगा तो बहुत लोगों के लिए आसान हो जाएगा आने जाने के लिए। लेकिन वन साइड होने वाला है, जहां तक मेरे को पता चला डबल डेकर जो ब्रिज बनकर तैयार होगा ये वन साइड होगा, एक साइड से आने के लिए एक साइड से जाने के लिए होने वाला। डबल डेकर जो ब्रिज है मतलब बिहार का पहला डबल डेकर ब्रिज होने वाला है, इसके पहले पूरे पटना पूरे बिहार में कहीं भी आप लोग डबल डेकर ब्रिज नहीं देखे होंगे, तो ये भी बहुत ही बड़ी बात है हम लोग के लिए बिहारी वासियों के लिए। और ये जब बनकर रेडी हो जाएगा तो आने जाने के लिए रुकावट बहुत ही हम लोग को जो हम लोग को ट्रैफिक जाम मिलता है अशोक राजपथ में उससे हम लोग को छुटकारा मिलने वाला है। चलिए फाइनली गाइस तो मैंने पूरा अपडेट आपको दे दिया, अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।